बिजी होती है एंड बहुत टफ होती है एक्चुअली. अभी आपको पता है टाइम क्या हो रहा है? अभी 11 हो गए हैं, 12:11 हो चुके हैं और मुझे ठंड भी लगी है. और ये कप अभी चाय मैंने फिनिश की है क्योंकि अभी जो ब्लॉग मेरा बन रहा है ये रात का बन रहा है. मैं किचन में आई हूँ अभी. विंकल और उसके पापा दोनों सो चुके हैं, मैं अकेली जाग रही हूँ. वीडियो एडिट करने वाला पड़ा था तो वो किया. अब प्रीत अपना सारा काम फिनिश कर चुके हैं, विंकल का बैग. दोनों ड्राइंग रूम में आज दोनों सो गए. मुझे वहाँ पर बहुत ठंड लगती है तो मैं यहाँ पे सोऊंगी आज. यहाँ पे बेड पे से बहुत खिला रहा है, सीरियसली बहुत बहुत या इस बहुत मैसी वो पड़ा है. ये सब सेट करूँगी उसके बाद स्लीप. या बहुत लोग बोलते हैं यूट्यूबर की लाइफ बहुत ईजी होती है. नो भाई, मेरे यूट्यूबर की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है, राइट? क्योंकि अगर अगर आप मेरी तरह यूट्यूबर हैं, लाइक घर पे भी कर रहे हैं और यूट्यूबर फुल टाइम यूट्यूबर हैं, देन योर लाइफ बहुत बहुत मुश्किल होती है. अभी 12 शूट चल रहा है ये. अब देखिए ये देखिए मिठाई के डब्बे, दिवाली ख़त्म हो गई लेकिन ये डब्बे ख़त्म नहीं हुए. इन सबको यहाँ पे रखती हूँ एंड सो अभी मैं जाऊँगी सोने. विंकल और विंकल के पापा दिखाती हूँ आप लोगों को. बोथ आर स्लीपिंग. ये देखिए विंकल भी सोई पड़ी है यहाँ पे और ये उसका टैडी उसके साथ पड़ा है. विंकल इज स्लीपिंग, पापा इज ऑल्सो स्लीपिंग. पापा उस तरफ है, वो नहीं दिखाई दे रही आई थिंक. या अभी आप बोलोगे शायद मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं ना आपको वो देखिए सामने फ़ोन पड़ा है, पति का फ़ोन पड़ा है यहाँ पे. इस पर दिखाती हूँ आपको टाइम ताकि ये देखिए 12:12 हो रहे हैं. अब देखिए टाइम 12:13 हो गए हैं. या इनकी लाइट्स बंद करती हूँ, लॉक करती हूँ रूम को क्योंकि एक्चुअली विंकल कई बार रात को उठ के बाहर चली जाती है. ऑलरेडी लॉक है. प्रीत मुझसे ज़्यादा समझदार है. हाँ पति समझदार ही होते हैं. एनीवेज लाइट बंद करती हूँ और अभी कंबल निकालना बाकी है. कंबल निकालती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ. 2 रुके क्योंकि वो दोनों ने दोनों कंबल ले लिए. मुझे भी कंबल चाहिए तो मुझे दीवान से निकालना पड़ेगा. आपको पता है इसमें आज ही रख के हटी हूँ. आज मॉर्निंग में ही मैंने इस कंबल को अंदर रखा था कि ज़रूरत तो पड़ती नहीं है तो, लेकिन फिर भी मैं इसे ले लेती हूँ. लेकिन अब दोनों उनके पास हैं तो मुझे यहाँ पे अलग से लेना पड़ेगा. मैं इसको अंदर बेड में से निकालती हूँ, आप लोग यहीं पर रुके. सो गाइज ये मैंने निकाल लिया है अपना कंबल. ये देखिए शादी में मुझे मेरे मम्मा ने मुझे दिया था ये. 5.5 साल हो चुके हैं तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा है इसका स्टफ़. यू नो शादी में तो ऑब्वियसली पेरेंट्स मॉम्स अच्छी चीज़ देती हैं बच्चे लड़कियों को. शादी के पहले हमें भीख मांगनी पड़ती है, मम्मा प्लीज़ ये दे दो, मम्मा ये दे दो, नई चीज़ दे दो. कभी नहीं देते मम्मा पापा, ये कभी नहीं देंगे. क्या पड़ी है नई चीज़ लेने के लिए, है ना? पुरानी पड़ी तो है, हम लोग यूज़ तो कर रहे हैं, तुम कर लोगे क्या हो जाएगा. लेकिन शादी जब होती है तब सब नई नई चीज़ें मिलती हैं, है ना? तब बड़ा मतलब होता है कि यार ये मतलब मेरी है ना, मेरी अलमीरा, मेरा बेड, मेरा सोफ़ा, सब कुछ नया नया. लेकिन बाद में पता चलता है कि सोफे के ऊपर बैठकर चाय पीने का टाइम भी नहीं होता. या जब मेरी शादी हुई थी जब मुझे सोफ़ा मिला, मतलब शादी का फर्नीचर, यू नो, तो क्या हुआ, मुझे ये रहता था कि मतलब ये सोफ़ा मेरा है. मैं बताती हूँ, जस्ट 2 रुके.
या मैं बोल रही थी मेरा वीडियो बन चुका है तो मैं लैपटॉप बंद कर लेती हूँ। और आज की वीडियो काफ़ी जल्दी बन गया क्योंकि छोटा है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। एक्चुअली क्या हो रहा है मुझे नहीं पता सामने क्या हो रहा है। लाइट लाइट का शायद प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने लाइट ना सभी लाइट्स ऑन नहीं की हैं, बंद की हुई हैं। चलिए लैपटॉप बंद करके बात करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं रात को। हाँ, अभी 12:17 हो चुके हैं, मतलब यस ये बंद ही नहीं हो रहा। नाउ अब बंद हुआ है तो एनीवेज स्विच ऑफ भी कर देती हूँ, चार्जर लगा था यहाँ पे। ओके तो मैं बात कर रही थी, 1 मिनट रुकिए। सो गाइस या अभी अभी सोने का टाइम हो चुका है, मैं ऑलमोस्ट सारा कुछ कर चुकी हूँ, सोने की तैयारी। बॉक्स बेड का ना यही प्रॉब्लम है, जब भी हम कुछ करते हैं तो चद्दर वगैरह सब हिल जाती है। तो एनीवेज ये रहा लाइक कंबल जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत सॉफ्ट है और ये 5.5 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने कोई कवर नहीं वगैरह करवाया, मैं हर साल इसको ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ एक बार रखने से पहले, और जस्ट ऐसे लेती हूँ। और यस कंबल यार एक बार लेना होता है, अच्छी कंपनी का ले, है ना। आई थिंक मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम सो टायर्ड। लेकिन आप लोगों से बात करे बिना मैं नहीं सो सकती थी, ताकि आप लोगों को बताऊं कि एक यूट्यूबर की लाइफ कितनी कितनी बिजी होती है। मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद है। आपको पता है मैंने मतलब 10 बजे मैंने शूट किया, नहीं 10 बजे नहीं, 11 बजे मैंने शूट किया वीडियो, और फिर उसका DIY बनाया, और उसके बाद मैं अब फ्री हुई हूँ। घर का सारा काम करना पड़ता है, सिर्फ मैंने पूजा को रखा हुआ है, पूजा हाँ रानी सॉरी रानी को रखा है हेल्पर के हेल्पिंग के लिए, सिर्फ वो यहाँ पे झाड़ू पोछा करती है, दैट्स इट। और मैं उससे कोई काम नहीं करवाती हूँ, बाकी सारा काम मैं खुद करती हूँ। और कल मेरे कपड़े बहुत पड़े हैं वॉश करने वाले। हाँ एक यूट्यूबर बच्चा क्या क्या करे, लेकिन ना सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं लाइफ में, काम भी ज़रूरी है और हमारा घर का काम भी ज़रूरी है, और वीडियोस बनाने भी ज़रूरी है। वीडियोस बनाना मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली में, सो दैट्स व्हाई मैं वीडियोस बनाती हूँ, वरना मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना यार, पैशन है, अच्छा लगता है। आप लोगों से अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना, अपने बारे में आप लोगों को बताना, आप लोगों से अपनी बातें शेयर करना मुझे बढ़िया लगता है यार। नो मुझे लगा कोई आ रहा है वहाँ पे। सो गाइज अभी मैं जा रही हूँ सोने, अब मैं आपको मिलूंगी नए ब्लॉग में। आपने देखा विंकल अपने पापा के साथ कितना इंजॉय करती है, और उसके बाद आपको पता है तब मैंने दोपहर में शूट किया था ये वीडियो विंकल और उसके पापा का, उसके बाद मैं अब 12 बजे शूट कर रही हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि यूट्यूबर की लाइफ इतनी इजी नहीं होती जितनी मतलब व्यूवर या सब्सक्राइबर बना देते हैं, या तो कई बार अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं या फिर बस एक कमेंट कर देते हैं जो हमें चीर के रख देता है। हमें मतलब बहुत गंदा लगता है कई बार लिख देते हैं आप लोगों की, आप तो पर्दे के पीछे बोल रहे हो या मतलब कैमरा के सामने बोल रहे हो। कैमरा के सामने बोलने के लिए भी दम चाहिए होता है, राइट। तो उसके लिए भी आपको बहुत आपकी पावर होनी चाहिए, आपको मतलब आपकी मोटिवेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, आपका आपको लगना चाहिए कि हाँ आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, आप में क्वालिटी होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए आपका, तभी आप यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं। ऐसे कोई उठ के वीडियो नहीं बना सकता, अगर आप किसी को भी कहोगे कैमरे के सामने बोले वो नहीं बोल सकता। और स्टिल अगर मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मुझे कोई व्यूवर नहीं दिख रहा है और मुझे पता भी नहीं है कि इस वीडियो को कोई देखेगा या नहीं देखेगा, सिर्फ क्या होता है कैमरे के सामने बोल रही हूँ, राइट। और ये बहुत ईजी नहीं है, कैमरे के सामने अपने आप से बात करना ईजी बात नहीं है, हर चीज़ आप लोगों से शेयर करनी ईजी टास्क नहीं होता है। तो बस जिनको अच्छा लगता है वही कर सकते हैं, जिनमें पैशन होता है, जिनको लगता है कि हाँ मुझे अपने दोस्त बनाने हैं। यहाँ पे मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, आफ्टर मैरिज मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं है, ओके। मेरे हस्बैंड ही मतलब मेरे फ्रेंड हैं, उनसे ही बातें शेयर करती हूँ, उनके साथ ही जाती हूँ, और उसके बाद आप लोग मेरे व्यूअर मेरे सब्सक्राइबर मेरे फैन
जो मुझे प्यार करते हैं वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं, और आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है। कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत मज़ा आ जाता है कमेंट पढ़ के, और लगता है कि हाँ मुझे कोई ना कोई तो है जो जानता है, किसी कोने में तो है जो पर्सन मुझे जानता है। बहुत अच्छा लगता है। आप लोग वीडियोस को इसी तरह से प्यार देते रहें, और अभी मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट एवरीवन, और भरपूर प्यार दें, और अच्छे अच्छे मतलब इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, राइट? तो ताकि हमारी यहाँ पे भी फैमिली अच्छी खासी हो जाए, ताकि हम यहाँ पे भी अपनी यू नो ब्लॉग्स वगैरह शेयर करूँ आप लोगों के साथ, और बहुत सारे कंटेंट अच्छे अच्छे घरेलू टाइप लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो मिलूंगी नई वीडियो में और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।